हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपका बजट 12,000 रुपए है और आपको इस बजट में एक 4G का अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट 4G मोबाइल्स जो आपको मिलेंगे अंडर 12,000। हाँ दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में सिर्फ 4G मोबाइल्स हैं, तो अगर आप 5G मोबाइल लेना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं 5G मोबाइल का, आप जाके उसे देख लीजिए। और अगर आप इस बजट में एक बेस्ट 4G मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ये सभी के सभी मोबाइल्स बहुत ही अच्छे हैं, इनके डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, कैमरे क्वालिटी भी टॉप नॉच है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। तो इस लिस्ट का जो 5वें नंबर का स्मार्टफोन है वो है वीवो का T1X। अब वीवो के जो मोबाइल होते हैं ना, उनके डिजाइन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हल्के एंड पतले होते हैं, और ये मोबाइल भी ऐसा ही है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.58 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। परफॉर्मेंस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जिसमें LPDDR4X RAM UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। सॉफ्टवेयर में आपको फन टच OS मिलता है जो कि बेस्ट है एंड्रॉइड 12 पे। उसके अलावा बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी है इसमें, जिसमें 18 वाट का चार्जर सपोर्ट करेगा। कैमरे में आपको डुअल कैमरा है 50+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। डी लाइट के फोटो अच्छे आते हैं, कलर फिल्म 3 टोन अच्छे आते हैं, लो लाइट की फोटो उतने अच्छे नहीं आते हैं बट ठीक है। सेल्फी कैमरा भी आपको ठीक ठाक फोटो निकाल के दे देगा। इसमें आप फुल HD 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। बात कर ले इसके प्राइस की, तो इसका 4+64GB का वेरिएंट मिलेगा 11,999 रुपए में। तो अब बढ़ते हैं अपने 4th नंबर मोबाइल पे, जो है रियलमी का C55। तो अगर आपको इस बजट में एक रियलमी का तगड़ा वाला मोबाइल चाहिए तो आप रियलमी C55 को चेक कीजिए। इसका भी डिजाइन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही हल्का एंड पतला भी है। डिस्प्ले में आपको 6.72 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.18 पीक ब्राइटनेस। परफॉर्मेंस में आपको MediaTek Helio G88 का चिपसेट है, जिसमें LPDDR4X RAM UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप है। सॉफ्टवेयर में आपको Realme UI का सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि बेस्ट है एंड्रॉइड 13 पे। बैटरी में आपको 5000 mAh का बैटरी है, जिसमें 33 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करेगा। उसके अलावा कैमरे की बात करें तो डुअल कैमरा है 64+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैमरे क्वालिटी बहुत ही शानदार है, डे लाइट की फोटो बहुत ही तगड़े आते हैं, लो लाइट की फोटो भी आपको ठीक ठाक निकाल के देगा। सेल्फी कैमरा की फोटो अच्छे हैं, इसमें आप फुल HD 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। फाइनली बात कर ले इसके प्राइस की, तो इसका 6GB+64GB का वेरिएंट आपको मिलेगा 11,999 रुपए में। तो अब बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर स्मार्टफोन पे, जो है Redmi का Note 11। तो अगर आपको 12,000 रेंज के लिए एक बेस्ट Redmi का मोबाइल चाहिए तो आप Redmi का यह मोबाइल चेकआउट कीजिए। इसमें आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 1000 nits पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट, और IP53 का रेटिंग है। तो Redmi के इस मोबाइल के डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है। परफॉर्मेंस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट है, जिसमें LPDDR4X RAM UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। सॉफ्टवेयर में MIUI का सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ट है एंड्रॉइड 11 पे। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी है, जिसमें 33 वाट का चार्जर सपोर्ट करेगा। बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो क्वाइट कैमरा सेटअप है 50+8+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब जो इस मोबाइल के कैमरे है ना, मैं बोलूंगा अच्छे आते हैं, डे लाइट लो लाइट दोनों की फोटो इसके अच्छे आते हैं, अल्ट्रा वाइड की फोटो भी ठीक ठाक निकाल के दे देता है, और खास करके इसे सेल्फी कैमरे की फोटो और भी अच्छे आते हैं। इन दोनों कैमरे में आप फुल HD 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। बात कर ले इसके प्राइस की, तो इसका 4+64GB का वेरिएंट मिलेगा 12,999 रुपए का, बट आफ्टर बैंक ऑफर इसको परचेस करेंगे तो 1000 के डिस्काउंट के बाद ये मोबाइल आपको 12,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने 2nd नंबर मोबाइल पे, जो है पोको का M4 Pro। तो अगर आपको 12,000 रेंज के लिए एक पोको का मोबाइल चाहिए तो आप पोको का यह मोबाइल चेकआउट कीजिए। इसका डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरे क्वालिटी तीनों बहुत ही बेस्ट हैं। इसमें आपको 6.43 इंच का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 1000 nits पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट, और IP53 का रेटिंग भी अवेलेबल है। परफॉर्मेंस में आपको MediaTek Helio G96 का चिपसेट है, जिसमें LPDDR4X RAM UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। सॉफ्टवेयर में आपको MIUI का सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ट है एंड्रॉइड 11 पे। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी है, जिसमें 33 वाट का चार्जर सपोर्ट करेगा। इसके अलावा कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंड डेप्थ कैमरा, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब 64 मेगापिक्सल जो प्राइमरी कैमरा है ना, उसके फोटो अच्छे आते हैं, डे लाइट के साथ लो लाइट के फोटो भी बहुत ही अच्छे हैं, कलर्स एंड स्किन टोन इसके बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आप फुल HD 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और फोटोग्राफी मोड और फिल्टर भी देखने को
मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। बात कर ले इसके प्राइस की, तो इसका 6+64GB का वेरियंट मिलेगा 12,999 रुपए में। बट आफ्टर बैंक ऑफर ये मोबाइल भी आपको 12,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर मोबाइल पे, जो है मोटोरोला का G52। तो अगर आपको 12,000 रेंज के लिए एक बेस्ट मोटोरोला मोबाइल चाहिए तो आप मोटो का ये मोबाइल ले सकते हैं। जो मोटो के मोबाइल होते हैं उनके सबसे बेस्ट पार्ट होता है उनके डिजाइन, बहुत ही हल्के एंड पतले होते हैं, उसमें आपको क्लीन यूआई मिलता है। यह भी मोबाइल कुछ इसी तरह का है। उसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच का SSD प्लस OLED डिस्प्ले है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 500 निट्स पीक ब्राइटनेस, IP52 का सर्टिफिकेशन। परफॉर्मेंस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट है। इसमें LPDDR4X रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको क्लीन यूआई एंड्रॉइड मिलेगा जो कि बेस्ट है एंड्रॉइड 12 पे। बैटरी में 5000mAh का बैटरी है जिसमें 33W का चार्जर सपोर्ट करेगा। उसके अलावा कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50+8+2MP का, और फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा। अब मोटोरोला के इस मोबाइल कैमरे अच्छे हैं, मेन कैमरा एंड सेल्फी कैमरा दोनों की फोटो अच्छे आते हैं। इसमें आपको डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, मतलब आगे पीछे दोनों कैमरे साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फोटोग्राफी मोड और फिल्टर भी अवेलेबल है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, इसमें आप फुल HD 30 पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और डॉल्बी एटमॉस स्पीकर एंड साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। बात कर ले इसके भी प्राइस की, इसका 6+128GB का वेरिएंट मिलेगा 13,999 रुपए में। बट बैंक ऑफर के साथ अगर आप इसको परचेस करते हैं तो यह मोबाइल आपको 1,000 के डिस्काउंट के बाद 12,999 रुपए का पड़ जाएगा, जो कि एक अच्छा डील है। हमें 12,000 के अंदर 6+128GB का वेरिएंट मिल जाता है। तो यही थे टॉप 5 बेस्ट मोबाइल जो आपको मिलते हैं अंडर 12,000। अब बात आती है इनमें से कौन सा मोबाइल आपको लेना चाहिए। देखिए, अगर आप पुराने मोबाइल से जा सकते हैं तो मैं बोलूंगा पोको M4 प्रो या मोटोरोला में से कोई मोबाइल लीजिए। अगर आपको नया मोबाइल लेना है नए सॉफ्टवेयर के साथ तो आप रियलमी C55 को भी ले सकते हैं। वैसे आपका क्या मानना है इस सभी मोबाइल के बारे में कमेंट बॉक्स में खुलकर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।